नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। राजसमंद से इस वक्त की एक बड़ी खबर है, दीप्ति महेश्वरी को टिकट देने का जबरदस्त विरोध दिखाई दिया है। तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, 150 से 200 के बीच में भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा जिला कार्यालय पहुंच गए और वहां पर तोड़फोड़ करने लगे। आपको बता दें कि कार्यालय के बाहर टायर जलाया गया, जमकर विरोध किया गया। भाजपा कार्यालय के अंदर जमकर तोड़फोड़ की गई। सांसद दिया कुमारी, जिलाध्यक्ष बारड़ दीप्ति महेश्वरी मुर्दाबाद के नारे लग रहे। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष को इस्तीफे अपने सौंपे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं विरोध किस बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। कई सारी जगहों से विरोध की तस्वीरें आई हैं। दीप्ति महेश्वरी के यहाँ से टिकट दिया गया, जिसका विरोध हो रहा है। भाजपा कार्यकर्ता जिला कार्यालय पहुंच गए, अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई, कुर्सियां तोड़ी गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में टायर जलाया गया बाहर और जमकर प्रदर्शन हुआ। दीप्ति महेश्वरी का विरोध यहां पर किया गया है, टिकट देने का जबरदस्त विरोध। भाजपा कार्यकर्ता इस जिला कार्यालय की दरअसल तस्वीरें हैं, जहां पर पहुंचे और नारेबाजी हुई, टायर जलाया गया, विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया। राजसमंद से इस वक्त की बड़ी खबर है, दीप्ति महेश्वरी को टिकट देने का ज़बरदस्त विरोध। 150 से 200 से ज़्यादा भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे हैं भाजपा जिला कार्यालय। भाजपा कार्यालय के बाहर टायर जलाकर विरोध जताया गया है। भाजपा कार्यालय के अंदर जमकर तोड़फोड़ की गई। सांसद दिया कुमारी, जिलाध्यक्ष बारड़ दीप्ति महेश्वरी मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगे हैं। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष को अपने इस्तीफे भी सौंप दिए। दीप्ति महेश्वरी को यहाँ से टिकट दिया गया है राजसमंद से, और यहाँ पर अब विरोध बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। देवेंद्र हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर। देवेंद्र, एक होता विरोध, एक होता उग्र प्रदर्शन, वो यहाँ दिखाई दिया है, आखिर नौबत क्यों आई? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा। अभी इस वक्त भाजपा जिला कार्यालय पे मौजूद है, जहां पर भाजपा समर्थित लोगों का उग्र प्रदर्शन देखा जा रहा है, जिन्होंने जमकर तोड़फोड़ की है। और अभी इस वक्त उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय के गेट पर ताला भी लगा दिया है और जिलाध्यक्ष को भी बाहर ले आए हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, सांसद और वही जो प्रत्याशी भाजपा के घोषित किए हैं दीप्ति महेश्वरी, इनका भी जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप आवाजें सुन सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, तो अब ये जो प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन, देवेंद्र, इसका कोई निस्तारण होगा कि ऐसे ही चलता रहेगा चुनाव तक? अगर ऐसे ही चलता रहा तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी दीप्ति महेश्वरी के लिए, तो क्योंकि ये भीड़ उग्र है, जाहिर तौर पर ये बड़े पैमाने पर विरोध करेंगे चुनाव में। जी जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा अभी जो 300 से ज्यादा भाजपा के लोगों ने अपने इस्तीफे दिए हैं जिलाध्यक्ष को, और उनका यही कहना है कि हम 30 तारीख तक इंतजार करेंगे, प्रत्याशी अगर नहीं बदलते तो हम यहाँ से कोई लोकल उम्मीदवार को निर्दलीय खड़ा करेंगे और भाजपा की इस सीट को हराने का उन लोगों ने पूरा दावा कर दिया है। जी, तो दीप्ति महेश्वरी का विरोध हो रहा है या यहाँ पर टिकट का कुछ और हिसाब किताब था जो उनके हिसाब से नहीं हुआ और यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है? दीप्ति महेश्वरी से ही इतनी नाराजगी क्यों? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, दीप्ति महेश्वरी से नाराजगी इसलिए है कि वह यहाँ के लोग लोकल की मांग कर रहे हैं। दीप्ति महेश्वरी बाहर से यानी कि उदयपुर से आती हैं, जो कि राजसमंद को उनको पहले उपचुनाव में टिकट मिला था, जीतने के बाद उन्हें वापस से यहाँ से टिकट दिया गया है और इनका लगातार इनकी मांग रही है कि यहाँ लोकल प्रत्याशी उतर जाए, इसको लेकर ये पार्टी का भी विरोध कर रहे हैं और पार्टी प्रत्याशी का भी जमकर विरोध कर रहे हैं। जी, ये तो जाहिर तौर पर राजसमंद विधायक हैं, अब ऐसे में कुछ पार्टी ने देखा होगा, कुछ सर्वे कराया होगा, अपने हिसाब से आकलन किया होगा, क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दे, सोच समझ कर ही टिकट दिया गया होगा। अब ऐसे में क्या ये चीज़ यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहे? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा ये जो भाजपा कार्यकर्ता, इन्होंने इनका आक्रोश यह भी है कि हमने जब पहले से अवगत करा दिया था कि हमें लोकल कैंडिडेट चाहिए यहाँ से लोकल के लिए, उसके बाद भी आला कमान ने इन लोगों की नहीं सुनी है, इसलिए इन्होंने ये उग्र आंदोलन अपनाया और जिला भाजपा जिला कार्यालय के बाहर टायर जलाए जा रहे हैं, जमकर तोड़फोड़ अभी भी की जा रही है। आप आवाजें सुन सकते हैं, जमकर नारेबाजी की जा रही है। वहीं राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी मुर्दाबाद, सांसद दिया कुमारी मुर्दाबाद और दीप्ति महेश्वरी मुर्दाबाद के साथ साथ भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह बारक के मुर्दाबाद के भी नारे लगाए जा रहे हैं। जी,
नहीं, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, उग्र प्रदर्शन भी दिख रहा है, दीप्ति महेश्वरी का विरोध भी दिख रहा है, लेकिन ये लोग किसको टिकट दिलाना चाहते थे जिसको नहीं मिला उसके बाद में ये इतना बवाल हंगामा हो रहा है? जाहिर तौर पर किसी न किसी के समर्थक होंगे, ये ऐसे नहीं आ जाते हैं। इनका ये इन सभी का यही कहना है कि यहाँ से किसी को भी किसी लोकल को उम्मीदवार बनाया जाए, इनका सिर्फ यही कहना है कि यहाँ से राजसमंद से जो प्रत्याशी बनाया जाए लोकल बनाया जाए। और लोकल की मांग को लेकर इन्होंने यह भी कहा है कि 30 तारीख तक आप अल्टीमेट देते हैं, प्रत्याशी अगर चेंज नहीं किया जाता है तो हम लोकल यहाँ से किसी को भी निर्दलीय उतार देंगे। जी ठीक है देवेंद्र, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।